दूरदर्शन की ओर से मैं महेंद्र सुराना आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और नमस्कार करता हूं हमारे लाखों लाख दर्शकों को जो सतत रूप से इस कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाए दे रहे हैं। हाल ही में 500वीं कड़ी प्रश्नोत्तरी की आप सभी ने देखी और उसके बाद यह पहला कार्यक्रम। हमने ये सोचा कि इस बार कुछ विशिष्टता लिए हुए प्रश्नोत्तरी होनी चाहिए और हमने उपयुक्त समझा नर्सिंग प्रोफेशन, क्योंकि जब नर्सेज की हम बात करते हैं तो हमारे समाज का अहम हिस्सा है। नर्सेज की जब हम बात करते हैं तो एक सम्मान की बात हमारे दिमाग में आती है। नर्सेज को हम देखते हैं तो एक रेस्पेक्ट की भावना पैदा होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोफेशन तो कहीं होते हैं, जीविका हम अर्जन करते हैं कई माध्यमों से, लेकिन कुछ पेशे ऐसे होते हैं जिसमें भावनात्मक तरीके से आदमी जुड़ता है। यानी जब हम नर्सिंग की बात करते हैं तो मानवीयता की बात होती है। एक व्यक्ति जो इस प्रोफेशन से जुड़ता है वह 24 आवर्स के लिए अपने प्रोफेशन में समर्पित हो जाता है। वो चेष्टा करता है, प्रयास करता है कि वह लोगों की जो समस्याएं हैं यानी जो रोग हैं उनका निदान करे, यानी लोगों के स्वास्थ्य का उन्नयन कैसे हो सके उसके लिए वह प्रयास करता है, यानी हेल्थ केयर के लिए समर्पित रहता है। एक जमाना था जब इस प्रोफेशन को इतना सम्मान प्राप्त नहीं था, लेकिन समय बदलता है, महत्व बदलता है और उसके अनुसार इस प्रोफेशन को आज जिसे हम आधुनिक नर्सिंग की बात करते हैं, एक महिला ऐसी थी जो उच्च घराने की थी और उस समय ब्रिटेन में जो सुविधाएं हो सकती थी उच्च वर्ग के लिए उपलब्ध थी उसका उन्होंने त्याग किया। जब वो 22 वर्ष की थी तो उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर से कहा मैं नर्स बनना चाहती हूं, क्योंकि उन्होंने अकाल की विभीषिका को वहां पर देखा था, उन्होंने मरीजों की स्थिति को देखा था, उन्होंने युद्ध की स्थिति को देखा था और उन्होंने घायलों की स्थिति को देखा था और करुणा और दया का भाव। उन्होंने कहा मैं नर्स बनूंगी और हम ये कहते हैं कि श्रेय उन्हें जाता है। आज की जब हम आधुनिकता की बात करते हैं, आधुनिक प्रोफेशन ऑफ नर्सिंग की बात करते हैं, यहां पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, कई बार ये जिक्र होता है आंकड़ों की बात करते हैं कि वह महिला कौन होगी या पुरुष कौन होगा जिसे श्रेय जाता है विश्व का यानी दुनिया का सबसे पहला नर्स होने का। और निश्चित रूप से वो मां रही होगी सृष्टि के आरंभ में जिसने सबसे पहले किसी बच्चे को जन्म दिया होगा, क्योंकि मां से बड़ी कोई नर्स हो ही नहीं सकती। तो अभी तक मैं चर्चा कर रहा था और जिस महिला की मैं बात कर रहा था उच्च घराने की, अब आरंभ करने जा रहा हूं मैं सवाल। और मैं चूंकि आपने हाथ खड़े किए थे तो मैं उनका नाम बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं सोचता हूं एक पुरस्कार आपको दे ही दूं, क्योंकि आप ही के लिए आप ही को समर्पित ये कार्यक्रम है, इसलिए उनका नाम हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि मैं वो कौन सा नाम बताना चाहता हूं, वो कौन सी महिला थी जिन्होंने कई नोट्स लिखे जो बाद में पुस्तकों के रूप में प्रकाशित हुए, जिन्होंने प्रोसीजर्स क्या होना चाहिए, नर्सिंग क्या है, नर्सिंग का स्कोप क्या है, क्या क्या होना चाहिए, ये सारी बातें उन्होंने की। तो उनके बारे में सवाल पूछने जा रहा हूं। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि आज गिरिराज प्रसाद सोनी साहब जो कि प्रिंसिपल हैं महात्मा गांधी नर्सिंग कॉलेज के, वो भी पधारे हुए हैं और विद्यार्थी निश्चित रूप से नर्सिंग कॉलेज यानी महात्मा गांधी नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थी हैं। एक बार तालियां जोरों से बजाइए। आपसे पूछ रहा हूं दो सवाल। आपको यह बताना है एक तो उस महान महिला का नाम। पहला सवाल, सभी ने हाथ खड़े किए हैं, मुझे लग रहा है कुछ लोग ऐसे क्यों हैं जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए। आर यू नॉट पार्टिसिपेटिंग? आप ज्यादा दयामान हैं? चलिए बताइए आप। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, बिल्कुल सही है, तालियां जोरों से बजाइए उनके लिए। आपका शुभ नाम? रजनी। रजनी जी, चलिए एक और सरल सवाल आपको ये बताना है, लेकिन दोनों चीजें आप साथ बताएंगे तो दूंगा मैं पुरस्कार। इनका जन्म कहाँ और कब हुआ और ये हमसे कब बिछड़ी और किस जगह बिछड़ी, तो दोनों चीजें आपको साथ बतानी, क्योंकि अन्यथा इसके चार सवाल हो सकते हैं। कब जन्मी, कहाँ जन्मी,
कब बिछुड़ी, कहाँ बिछुड़ी, खड़े होइए आप जी। 12 मई 1820 को, 12 मई 1820 को जन्मी, कहाँ पर? नहीं, मैंने ये शर्त लगाई थी चारों बातें बतानी आपको, चारों बातें आप बताएंगे चारों। चलिए खड़े होइए सब, खड़े होइए। 12 मई 1820 को उनका जन्म हुआ। 12 मई 1820 को जन्म हुआ, फ्लोरेंस इटली नामक, इटली जो कंट्री है उसमें इनका जन्म हुआ। इटली जो कंट्री है और फ्लोरेंस जो सिटी है, जगह है, वहां पर हुआ, ठीक है। और क्या था सर? देहावसान। देहावसान, ये इनका 12th मई को ही, 18 मई को इनका डेथ हुई। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा कंफ्यूज हो गया, सारे आपके एंटी हैं, कंफ्यूज हो गया। शुभ नाम क्या आपका? सर अभिषेक। अभिषेक जी, चलिए, चूंकि आपने दो बातें बता दी इसलिए मैं अभिषेक जी को पुरस्कार देता हूँ। तालियां बजा लीजिए अभिषेक जी के लिए, और एक पुरस्कार और लेकर के आता हूँ। फ्लोरेंस सिटी इटली में इनका जन्म 12 मई 1820, ये तो आप जानते हैं। अब देहावसान कहाँ और कब? बिल्कुल पीछे जी, 13 अगस्त 1910 को। 13 अगस्त 1910 को, अब जगह का नाम बताइए। अरे और इधर उधर मत जाइए, उस शब्द का, उस कंट्री का मैंने अभी अपनी बात जब कर रहा था तो मैंने जिक्र किया था उस कंट्री का, ब्रिटेन। शुभ नाम, अब ब्रिटेन में चला लेता हूँ, चलिए कोई बात। पंकज अग्रवाल। पंकज जी, तालियां जोरों से बजाइए पंकज जी के लिए। देखिए, कई बार ये सवाल पैदा होता है कि ऐसे सवाल जब हम ये पूछते हैं कि जन्म तिथि क्या है, कहाँ जन्म हुआ इत्यादि, इन चीजों का महत्व क्या है? एक तथ्य है, पूछ लिया और विस्मृत हो गए। द होल आइडिया इज कि जानकारी है तो समग्र होनी चाहिए, और उसका एक सिस्टम और एक तरीका होता है, कहाँ, कब, क्यों, क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, क्या परिस्थितियां, क्या हालात, कैसे बड़े हुए, क्या हुए। अगर इन चीजों को जानेंगे और समझेंगे तो हम वैल्यू ऐड कर पाएंगे हमारे व्यक्तित्व में। मेरा अगला सवाल बड़ा ही सरल आपको यह बताना है कि जो नर्सिंग शब्द है उसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, यह बताइए। मैंने सोचा मैं रुक गया था जी, बोलिए आप। नर्सिंग शब्द की उत्पत्ति नर्चर शब्द से हुई है जी। उसका अर्थ क्या है? नर्चर का मतलब पालन करना। पालन करना, मोटे रूप से सही है। शुभ नाम आपका? शिव कुमार। शिव कुमार जी, नर्चर, नर्चर और न्यूट्रिशस, जिसका अर्थ है पोषण करना, पालन करना, सुरक्षा देना, सहारा देना और जीवित रखना। और इसका अर्थ जो स्कोप जो हम लेते हैं उसमें ये भी ले लेते हैं कि प्रशिक्षण देना, शिक्षा देना और वृद्धि के लिए आवश्यक जो चीजें हैं या कारक है उनको प्रदान करना। तालियां बजाइए इस जानकारी के लिए आप। देखिए, जब हम नर्सिंग की बात करते हैं, नर्स शब्द की बात करते हैं, तो एक टेंडेंसी होती है उस शब्द के जो लेटर्स हैं, जो अक्षर हैं, उनको एक अर्थ दिया जाता है ताकि वो समग्र रूप से, मोटे रूप से, लिबरली स्पीकिंग, वो उसका अर्थ प्रतिपादित कर सके। तो आपको बताना है NURSE, नर्स, इस शब्द का, यानी ये जो लेटर्स हैं इनका लिबरल मीनिंग क्या है, जिससे कि मोटे रूप से कोई भी समझ जाए कि भाई नर्स ऐसी होती है या ऐसा होता है। जी, आपने हाथ खड़ा किया है जी, खड़ी होइए आप जी। Nobility. थोड़ा जोर से बोले आप, डरे नहीं आप, किससे डर रही हैं आप? किसी से नहीं। N for nobility. Nobility. हाँ. U for understanding. R for responsibility. S for sympathy, simplicity. E for efficiency. Efficiency. मोटे रूप से तालियां जोरों से बजाइए। शुभ नाम। थोड़ा जोर से बोला कीजिए। और आपने देखिए, आपने सबके एक एक बताए, आपने दो जगह सिंपैथी और सिंप्लिसिटी, एक जगह आपने दो शब्दों का प्रयोग किया। आपने जब आरंभ किया तो नोबिलिटी की बात की थी आपने, नॉलेज, यस, हाँ, तो इसमें के साइलेंट है, नॉलेज। चलिए एक पुरस्कार और दे दूंगा जो इसके साथ कहे जाते हैं, जो बाकी इन्होंने छोड़ दिए, अगर आप वो चीजें और बता दें तो एक पुरस्कार मैं आपको और दे दूंगा।
जो रिमेनिंग, अब तो बहुत कम रह गए, नॉलेज आ गया, सिंपलिसिटी, सिंपैथी, इन्होंने बोल दिया यू फॉर यूनिवर्सिटी, यू फॉर यूनिवर्सिटी, नहीं 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 अच्छा बोलिए, यूनिफॉर्मिटी, 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 चलिए यस, खड़ी हुई हैं आप, यूजफुल, यू फॉर यूजफुल और अंडरस्टैंड जी, यूजफुल, यूजफुल, यस, हाँ बोलिए प्रोफेसर साहब, यूजफुल, यूनिकनेस, चलिए और कोई, यूनिवर्सल, जी बोलिए, यूजफुलनेस, यूजफुलनेस और अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, यस, ई फॉर एम्पैथी, एम्पैथी, ओके, और कोई, चलिए, यू फॉर यूनिकनेस, यू फॉर यूनिकनेस, ये तो बताया, देखिए टुकड़ों में जो बताई गई है इसलिए पुरस्कार नहीं दिया कि सभी लोग सारी चीज़ को बताने की स्थिति में नहीं थे, एन की जब हम बात करते हैं तो नॉबिलिटी दैट इज श्रेष्ठता, दूसरी नॉलेज मीन्स ज्ञान, यहाँ पर के साइलेंट है, यू अभी आप में से कई लोगों ने कहा यूजफुलनेस यानी उपादेयता और अंडरस्टैंडिंग, देन राइटियसनेस नीतिपरायणता और रेस्पॉन्सिबिलिटी आपने बता दिया था, उत्तरदायित्व जिसे हम कहते हैं, सिंप्लिसिटी यानी सादगी और सिंपैथी यानी सहानुभूति ये आपने बता ही दिया था, और एफिशिएंसी और इक्वेनिमिटी जिसे स्थिर चित्तता हम कहते हैं, ये थोड़ा रह गया था, तालियां बजा सकते हैं इस जानकारी पर भी आप। देखिए मैं फिर आपको निवेदन करना चाहूँगा, क्या होता है कि जब हम आरंभ करते हैं पुस्तक को पढ़ना या जब पढ़ाया जाता है तो इस प्रकार की चीज़ों का जिक्र होता है हर विषय में आमतौर पर, और उसका उद्देश्य ये होता है कि क्विंटिसेंस और द इसेंस ऑफ द सब्जेक्ट जो है वो वहाँ पर निचोड़ ला करके वहाँ पर अर्क के रूप में वहाँ रखा जाता है, हम उससे वंचित हो जाते हैं, उसकी जो महक यानी उसकी जो खुशबू है हम उसको ग्रहण नहीं करते, अगर उस चीज़ों को ध्यान में रख लेंगे तो एट मैनी प्लेसेस इन आंसरिंग हमारे को इल्यूमिनेशन होगा दिमाग में और हम बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे, अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज कर पाएंगे, तालियां बजाइए एक बार फिर सभी के लिए। देखिए नर्सिंग की जब बात करते हैं तो उनका जो कार्य क्षेत्र है उसमें क्या केवल मरीज ही आता है या मरीज के इतर भी लोग आते हैं, वो कौन कौन हो सकते हैं वो आपको बताना है, कार्य क्षेत्र कितना है, स्कोप कितना है, कौन कौन उसमें आते हैं, द एक्सटेंट ऑफ नर्सिंग क्या है, आप सभी जानते हैं, इतना सरल सवाल है, प्रोबेबली मैंने जिस तरीके से पूछा, यानी आप एक हाथ खड़ा किया गया पहले, मैंने अभी हिंट भी दे दिया था, जी बोलिए आप, एक तो नर्सिंग रिसर्चर, नर्सिंग रिसर्चर, ओके, और एजुकेटर्स, नर्सिंग एजुकेटर्स कम्युनिटी के लिए एजुकेट करने के लिए, और आप सीधा जवाब नहीं दे पा रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नहीं आप तो से सब पूछेंगे ही जी बोलिए आप, फैमिली कम्युनिटी हॉस्पिटल्स, फैमिली कम्युनिटी हॉस्पिटल, तो आपको पहले व्यक्ति यानी मरीज, देन फैमिली उसका परिवार, देन कम्युनिटी और सोसाइटी, कंट्री पॉपुलेशन जनरली स्पीकिंग, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ केयर, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ केयर इट कुड बी प्रिवेंटिव इम्यूनाइजेशन के लिए, इट कुड बी द एंटायर कम्युनिटी एटसेट्रा एटसेट्रा, देयरफॉर अपने कार्य क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो हमारा फोकस कौन कौन हुए, व्यक्ति उसका परिवार और समाज। शुभ नाम, लोकेश, बिल्कुल जानकारी है आपको, बस थोड़ा सा और फोकस आप इसका होइएगा। देखिए ये तो आपके कार्य क्षेत्र हो गया, उसका विस्तार हो गया, आपकी कोर वैल्यूज क्या है, यानी कोर ऑफ नर्सिंग क्या है, या नर्सिंग का केंद्रीय तत्व सार तत्व क्या है, यानी आप क्या हैं, यानी आप क्या करेंगे, आपसे क्या अपेक्षा है, वो तीन चार बिंदु क्या हैं, आप बताइए आप क्या करेंगे, बोलिए आप, पुरस्कार दूंगा आपको बिकॉज आप जानती हैं, हाँ बोलिए आप, नर्सिंग मतलब आप किस लिए, नर्स काहे के लिए होते हैं, क्या करते हैं आप, बस वही मैं पूछना चाह रहा हूं,
टू प्रोवाइड द प्रिवेंटिव प्रमोटिव क्योरेटिव केयर टू द पेशेंट। नहीं, थोड़ा समझाइए हमारे दर्शकों को तरीके से, मतलब आप क्या करते हैं, मतलब आप क्या कपड़ों में डील करते हैं, आप रेस्टोरों को डील करते हैं, या आप कोई जनरली एंटरटेनमेंट के जो लोग हैं उस फील्ड के उनको डील करते हैं, तो आप किन को डील करते हैं, या फोकस आपका कौन होना चाहिए? तो आपकी कोर यानी केंद्र बिंदु आपके काम का क्या है, व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव, किन किन लोगों के लिए किस उद्देश्य से नर्सिंग प्रोफेशन है? सर, हम इंडिविजुअल को और कम्युनिटी में जाके जो कम्युनिटी के पीपल्स हैं उनको एजुकेट कर सकते हैं, प्रिवेंटिव केयर्स के बारे में बता सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तो है ही, किससे रिश्ता होता है नर्स का, किसको ध्यान आता है? पेशेंट्स, मरीज, ठीक है। अब आप बस मरीज को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, हेल्थ केयर को ध्यान में रखते हुए, अब मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, एक नर्स से क्या अपेक्षा होती है, नर्सिंग प्रोफेशन में जुड़े व्यक्ति से क्या अपेक्षा होती है? क्यों साहब, अब तो काफी स्पष्ट है प्रश्न कि सर, जब वो पेशेंट को केयर प्रोवाइड करती है तो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन उसने केयर प्रोवाइड करनी है, तो उसको केयर प्रोवाइड करनी चाहिए। तो केयर प्रोवाइड का मतलब उसके रोग का इलाज करना, जो अस्वस्थ है तो उसको स्वस्थ करे, एक काम और क्या करे सर, उसकी असेसमेंट करनी है उसने अच्छे से। हाँ, वो तो हो गया, अच्छा एसेस कर दीजिए उसको, असेसमेंट कर करके चलिए आप उसको वापस नॉर्मलसी को रेस्टोर करेंगे, मेंटेन करेंगे हेल्थ को। चलिए ये भी हो गई कि भाई बीमारी का इलाज हो गया, रेस्टोर भी हो गई, इसके अलावा हेल्थ को ध्यान में रखिए, टोटल हेल्थ को, हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी, रिहैबिलिटेशन, वेरी गुड। फिर रेस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ, वो हो गया जी। चलिए मैं पुरस्कार देता हूँ, शुभ नाम कपिला जी, इतने पर ही आपको, बिकॉज आप आगे, अब एक पुरस्कार और दूंगा, एक दो बिंदु और रह गए हैं। यस, चलिए इधर से पूछते हैं जी, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करें है जी, साइकोलॉजिकल सपोर्ट और हेल्थ को मेंटेनेंस, वो मेंटेनेंस तो आ गया, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट, बैठिए आप लोग बैठे, हाँ, और पेशेंट को कंफर्टेबल महसूस कराना और उसकी हेल्थ में प्रोवाइड करवाना, उसको ग्रो करवाना। बोलिए आप, पेशेंट को सुझाव देते हुए समाज और परिवार को इस तरह सुझाव देना उस बीमारी के बारे में, ताकि उन लोगों को ना लगे इस प्रकार की गलती ना हो, उनको जन जागृत करना। आपको पूछा मैंने पहले, अभी एक बार पूछा आपको, आपको नहीं पूछा, पूछ लिया, कोई बात नहीं, चलिए बोलिए आप, चलिए। पेस्ट केयरिंग, पेशेंट की केयर करना, हाँ, क्यूरेटिव उसको यानी फील करवाना, क्योर करना उसको, प्रमोटिव उसको प्रमोट करना, डिजीज से प्रिवेंट करना उसको, रिहैबिलिटेशन, एजुकेटिव। वाह वाह वाह, शुभ नाम महेंद्र चौधरी जी, क्या बात है महेंद्र जी, ये इन्होंने, महेंद्र जी ने इसको सारी चीज़ें मोटे रूप से, वो आ गई। देखिए ये तो एक बेसिक चीज़ है, ये आपको एक मालूम होना चाहिए, हेल्थ केयर के बारे में अपन बात कर रहे हैं तो हेल्थ में क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, मरीज के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है, तो आपको प्रिवेंशन से लेकर के रिहैबिलिटेशन तक सारी चीज़ें आपको वो करनी है। तो वो जो ही बोलें तो अपने को बोलने का, वी हैव टू बी लॉजिकल एंड व्हेन वी अप्लाई कॉमन सेंस तो कई चीज़ें उसमें अपने आप ही आ सकती हैं। इनके लिए ज़ोरों से तालियां बजाइए, महेंद्र जी के लिए एक बार। देखिए एक बड़ा ही सरल सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक अखबार में चंद पंक्तियां छपी थी, वह तो साक्षात देवदूत है, दुर्गंध और चीख पुकार से भरे इन अस्थाई अस्पतालों में वह एक दालान से दूसरे दालान में जाती है और हर मरीज की भाव मुद्रा उसके प्रति आभार और स्नेह के कारण द्रवित हो जाती है। रात में जब सभी चिकित्सक और स्टाफ अपने अपने कमरों में आराम से सो रहे होते हैं, तब वह अपने हाथ से एक लैंप लेकर हर बिस्तर तक जाती है और मरीजों की ज़रूरतों का ध्यान रखती है। बताएं 1854 के कौन से युद्ध में ऐसे सेवा कार्य के लिए कौन सा उपनाम कौन से अखबार में छपी उपरोक्त खबर के कारण फ्लोरेंस को दिया गया? नाइटिंगेल, मैं नाम तो मैं खुद ही बता दूं आपको पहले, ताकि बाकी चीज़ों का जवाब दे, कौन से अखबार में ये पंक्तियां छपी थी, कौन सा वो वार था जहां पर वो इस प्रकार से, नहीं नहीं प्रश्न में हाथ खड़ा कीजिए फिर जवाब दीजिए, तीन चीज़ें हैं जी, बोलिए आप। न्यूज़पेपर था द टाइम्स, द टाइम्स,
न्यूज़पेपर, बिल्कुल सही, बस इतना ही। आज आगे बोलिए। और क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था उनको ये युद्ध कौन सा था जिसका जिक्र, क्रीमिया वॉर, बिल्कुल सही। और उन्हें कौन सा उपनाम दिया गया इन पंक्तियों के कारण? लेडी विद द लैम्प। लेडी विद द लैम्प। शुभ नाम आपका? सेवाराम। सेवाराम जी, वाह क्या बात है, ये बिल्कुल तरीका, परफेक्ट आंसर। आधुनिक नर्सिंग की जब हम बात करते हैं, हम उनका जिक्र कर चुके हैं, उनको यानी फ्लोरेंस को कौन कौन से महत्वपूर्ण अवार्ड से सम्मानित किया गया, बताइए, और जीते पुरस्कार? कौन कौन से अवार्ड्स? जी खड़े होइए। क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया जी एक है, बैठे। एक तो क्वीन विक्टोरिया अवार्ड से ना पुरस्कृत किया गया था, एक रेड रॉयल अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था। पढ़ा है, थोड़ा पढ़ा है, ये मेरे ख्याल से देखा नहीं है किसी ने। एनीबडी? रॉयल रेड क्रॉस 1883 में, लेडी ऑफ ग्रेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेंट जॉन, एंड थर्ड इज ऑर्डर ऑफ मेरिट 1907, ऑर्डर ऑफ मेरिट 1907। ये प्रमुख हैं। और देखिए, जब आप इस प्रकार के कार्यक्रमों में कभी जाते हैं तो इंटरनेट पर जाइए, नेट पर थोड़ा सा देखिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो ही तो दुनिया भर की जानकारियाँ, सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, रिलेटेड इशूज सामने आ जाएंगे। तो दूरदर्शन का जो सामाजिक सरोकार है, इतने लंबे समय से प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को चलाए रखने का उसका मंतव्य यही है कि आपको इंक्विजिटिव बनाए, जिज्ञासु बनाए। मानवीय प्रवृत्ति जिज्ञासा की होती है, लेकिन आजकल इतनी चीज़ें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है और हम समय ही नहीं मिलता हमें। तो द होल आइडिया इज, और देखिए सफलता वर्ण किनका करती है, या कौन लोग हैं जो सफल होते हैं और अधिकांश असफल रह जाते हैं, उसमें कई कारक हैं, कई कारण हैं। उसमें एक कारण ये भी है कि हम नॉलेज को एक्वायर नहीं करते, और कुछ लोग एक्वायर करते हैं, या हम जो अभी पढ़ेंगे वो हम विस्मृत कर जाएंगे, भूल जाएंगे। तो विस्मृत नहीं होना चाहिए, उसकी जगह होना क्या चाहिए, अपडेशन होना चाहिए, अप टू डेट नॉलेज होनी चाहिए। और बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, इस प्रकार की चेष्टाएं और प्रयास हम करते रहेंगे तो वैल्यू एडिशन जो पर्सनैलिटी में होगा, वी विल बी डिस्टिंक्टली डिफरेंट देन द रेस्ट ऑफ द पीपुल, और सफलता को आवश्यक रूप से हमें वर्ण करना पड़ेगा। तालियां बजाइए इस संकल्प के लिए आप। अब देखिए, एक बड़ा ही सरल सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। नर्स को गप्पी एवं बातूनी नहीं होना चाहिए, वह दृढ़ सौम्य एवं ईमानदार हो, परंतु इससे भी अधिक उसे एक समर्पित महिला होना चाहिए जो अपने व्यवसाय की अनिवार्यताओं का आदर करे, उसे एक त्वरित तर्कसंगत एवं चुस्त निरीक्षणकर्ता तथा एक कोमल एवं भद्र भावनाओं से परिपूर्ण महिला होना चाहिए। ये नर्सों की चरित्रगत विशेषताएं हैं। आपको ये बताना है कि इसके बारे में ये शब्द किसके हैं और कहां से उद्धृत किए गए हैं। सर ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल द्वारा दिए गए थे। हाँ हाँ। और ये क्वालिटी ऑफ नर्स जो होती है उसके बारे में बताएंगे? नहीं नहीं नहीं, किताब का नाम यानी उनकी कौन सी पुस्तक है जिससे उद्धृत किए गए हैं? फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में? नो सर। अच्छा, आप खुद ही, अब इसको तो मैं मानू भी कैसे अगर सही भी हो तो। सिस्टर नैंसी। जी सिस्टर नैंसी बुक में। सिस्टर नैंसी बुक। आपने हाथ खड़ा किया, संकोच मत करिए, वापस नीचे मत करिए। नर्सिंग नोट्स के नाम से जो उन्होंने, नर्सिंग नोट्स, नोट्स ऑन नर्सिंग। हाँ बिल्कुल। शुभ नाम आपका? अनुपमा जी। अनुपमा जी बिल्कुल सही है, जोरों से बजाइए तालियां, तालियां रुकने की जरूरत नहीं है।
notes on nursing, what it is and what it is not. ये notes हैं और उनकी कई बीसियों किताबें हैं, उनके notes उनके मृत्यु के बाद में काफ़ी पाए गए और अलग अलग किताबों के रूप में वो प्रकाशित हुए हैं. देखिए, मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ कि कई बार इस तरह की बात चलती है, टीचिंग की पढ़ाई को लेकर के बात चलती है, और ऑर्डिनरली ये होता है कि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन बिल्कुल हम लग जाते हैं, डूब जाते हैं सिर्फ पढ़ाई करने में, वो ज़्यादा काम की नहीं होती है. तो मैं एक अनुरोध आपसे करना चाहूँगा अपने अनुभव से कि थोड़ा प्रयास कीजिए और चीज़ों को देखते चलिए, देखते चलिए, देखते चलिए, और फिर इतना आसान हो जाएगा, ज्यों ही कोई बात आपको पूछी जाएगी आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी, यू वुड बी रेलिवेंट. तालियां बजाइए इस संकल्प के लिए. अभी मैं जब सवाल पूछ रहा था तो कुछ चीज़ें आ रही थी, तो वो एक सवाल से दूसरी चीज़ें आ जाती. कई बार ये होता है प्रश्न क्या पूछा गया और हम उत्तर कुछ और दे देते हैं. मेरा सवाल ये है कि नर्सिंग में कोड है, कोड ऑफ एथिक्स, वो कोड ऑफ एथिक्स क्या है नर्सिंग में? कोड ऑफ एथिक्स, एक हाथ खड़ा किया गया है जी. नर्सिंग में मेनली फाइव कोर्स ऑफ एथिक्स है जी. फर्स्ट वन ही डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ हेल्थ को डेवलपमेंट करते और प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ नर्सिंग को. मैं कोर्स ऑफ एथिक्स की बात कर रहा हूँ. जब मैं एथिक्स की बात कर रहा हूँ तो एसेंशियली मैं नैतिकता की बात कर रहा हूँ, तो फिर मैं मॉरालिटी की बात कर रहा हूँ, तो मैं मॉरालिटी की बात कर रहा हूँ तो उन नियमों की बात कर रहा हूँ जो कॉडिफाइड किए गए हैं कि इस प्रोफेशन के लिए ये आवश्यक शर्त है कि होनी चाहिए. तो चलिए साहब, आप इससे बात कर लूँ. आप प्रिंसिपल हैं गिरिराज सोनी साहब, तो आइए. सर, कोड ऑफ एथिक्स होता है एक प्रोफेशनल का ओन कोड ऑफ एथिक्स होता है, जो प्रोफेशनल की कुछ लिमिटेशन और कुछ ब्रॉडर लाइन होती है जी. उनके अंदर ही अंतर्गत जो काम करने होते हैं, जो आपको केयर देने से पहले या कुछ भी पेशेंट से रिलेटेड करने से पहले आपको वो माइंड में रखने पड़ेंगे अपने कोड ऑफ एथिक्स. उससे क्या होगा कि आपकी जो अकॉर्डिंग टू जो एथिकल जो कोड बने हुए हैं उन पे आप फॉलो करोगे और आप बेस्ट से बेस्ट केयर प्रोवाइड टू द पेशेंट. तो कोड ऑफ एथिक्स एक तरीके से उसका चारों तरफ का बैकग्राउंड नर्सिंग का है, उसके अंतर्गत नर्सिंग समाई हुई है. क्योंकि एक प्रोफेशनल नर्सिंग को काफ़ी दिनों से हम स्ट्राइव कर रहे हैं कि नर्सिंग एज ए सेपरेट प्रोफेशन. तो हर प्रोफेशन का अपना ओन कोड ऑफ एथिक्स होता है, जैसे कि मेडिकल का होता है, डेंटल का, वैसे ही नर्सिंग के अपने कोड ऑफ एथिक्स बनाए हुए हैं, उसके अंतर्गत ही हमको सब कुछ फॉलो करना रहता है. थैंक यू, थैंक यू. तालियां बजाइए सब इस बात के लिए, तालियां बजाइए. और देखिए, ब्रॉडली स्पीकिंग इनको क्लासीफाई जब हम करते हैं तो पाँच कोर्स में इसको क्लासीफाई किया गया है, यानी पाँच एरियाज में इसको क्लासीफाई किया गया है जिनके साथ इंटरेक्शन होता है. नर्स एंड पीपल, नर्स एंड प्रैक्टिस, नर्स एंड सोसाइटी, नर्स एंड कोवर्कर्स, क्योंकि इंटरेक्शन भी होता रहता है. आपका पर्सनल रिलेशनशिप क्या है आपके ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उससे, और नर्सिंग, नर्स एंड प्रोफेशन. तो इन चीज़ों को लेकर के ये हेडिंग्स हैं, इनके तहत आपके डिफरेंट, जैसा कि आपके प्रिंसिपल साहब ने बताया, आपके उसके कुछ संहिता बनी हुई है, कुछ नियम बने हुए हैं, और वो नियम उन अनुभवों का आधार या निचोड़ है जो कि ये समझा गया कि अति आवश्यक है. इस जानकारी के लिए भी बजा सकते हैं आप तालियां. देखिए, मैं दो सवाल आपसे पूछने जा रहा हूं. पहला तो आप बताइए, मोटे रूप से जब हम गुणों की बात करते हैं कि एक व्यक्ति में क्या गुण होने चाहिए, तो आपको दुनिया भर में किताबें मिल जाएंगी, आप हजारों गुणों का जिक्र कर देंगे, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए. मेरा सवाल ये है, आपको ये बताना है कि एक नर्स में क्या गुण होने चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आप कुछ भी बता सकते हैं, बताइए. कीपिंग इन व्यू द प्रोफेशन, जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने कहा प्रोफेशन, तो आप एक प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और मानवीय सेवा का कार्य उससे जुड़े हुए हैं, इसको ध्यान में रखते हुए अब आपको ये बताना है, बताइए क्या क्या गुण होने चाहिए. सिंपैथी, एम्पैथी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड गुड केयर गिवर,
गुड केयर गिवर एंड हाँ 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 एक अच्छे इंसान में क्या गुण होने चाहिए आपने अच्छे गुण गुण क्या है रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए और ऑनेस्टी ऑनेस्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन डिसिप्लिन मैंने कहा ना मानवी और सेवा सेवा का काम जी गुड पर्सनालिटी एंड काफी हो गया पुरस्कार तो पक्का हो गया शुभ नाम कनिका शर्मा तालियां जोरों से बजाइए इनके लिए और कुछ इधर से और भी कुछ लोग ट्राई कीजिए हाथ खड़ा कीजिए बोलिए आप और इनके बैठिए बैठिए आप इनके अलावा बताइए गुड नॉलेज होनी चाहिए नॉलेज दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी गुड नॉलेज होनी चाहिए आप जिस प्रोफेशन में जा रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए जी और ऑनेस्टी वगैरह सब नहीं वो तो वगैरह नहीं वगैरह मत करिए साहब आजकल तो सबसे बड़ी क्राइसिस ये है कि ऑनेस्टी मिलती नहीं है बड़ी रेयर हो गई है तो वगैरह नहीं तो खैर आपने उसका जिक्र किया इसके अलावा भी जो आपने उनको सुना उसके अलावा भी नहीं है सर चलिए एक पुरस्कार मैं आपको और दे देता हूँ और मोटे रूप से ये बात आ गई चलिए वैसे आप काफ़ी कुछ बता सकते हैं उसमें आपकी जानकारी है मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कई बार आपने ये देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स जब जाते हैं तो उनकी शिकायत होती है कि साहब मेरे को हमारे पेशेंट को कोई केयर ही नहीं कर रहा है मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसको काफ़ी देर से देखा ही नहीं डॉक्टर्स नहीं आए कभी कई बार आपस में जो उनके परिजन या परिवारजन होते हैं फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनका डॉक्टर से या जो मेडिकल स्टाफ जो होता है या पैरामेडिक्स होते हैं या जो भी जो लोग होते हैं नर्सिंग स्टाफ वगैरह उनसे कहा सुनी हो जाती है हड़तालें हो जाती है कई तरह की चीज़ें होती है इसको फोकस में रखते हुए यानी मरीज को मरीज के परिवार को वगैरह वगैरह को फोकस में रखते हुए आप बताइए कि एक गुण कौन सा है बड़ा ही महत्वपूर्ण गुण उस गुण को बताइए और जीते पुरस्कार वो होना अति आवश्यक है वह गुण कौन सा हो सकता है जी बोलिए आप पंक्चुअलिटी और क्यूरियोसिटी जी बोलिए आप डिग्निटी ठीक है अति महत्वपूर्ण वो स्किल जो होनी चाहिए अलर्टनेस गुड सेंस ऑफ ह्यूमर जी बोलिए आप सबसे पहला गुण ये होना चाहिए कि चाहे कितने भी परेशान रहें चाहे कितनी भी हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं लेकिन अगर पेशेंट हमारे सामने सबसे पहले हमको पेशेंट की पूरी तरह से केयर देनी चाहिए नहीं वो तो होनी चाहिए मैं आपसे देखिए आप मेरी एक बात को समझिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी एक ऐसा गुण या स्किल नर्स में कौन सी होनी चाहिए वो ऐसे नहीं सहनशीलता नहीं इसका मतलब ये नहीं कि कोई हंगामा कर रहा है हुड़दम कर रहा है बदमाशी कर रहा है हुड़दम कर रहा है गुंडाइज्म कर रहा है तो आप सहनशीलता नो वो भी नहीं है लेकिन वो मैं जो कहना चाह रहा हूँ मैंने तो आपको एक उदाहरण दिया है कि ऐसी स्थिति में ताकि कई गुण हैं ये विशिष्ट गुण हैं जो होना ही चाहिए ये मेरे पूछने का जो तात्पर्य है उद्देश्य है जी बोलिए आप लव फॉर द फेलोमैन जी गुड कम्युनिकेटर हाई पीआर यस गुड कम्युनिकेटर कम्युनिकेशन स्किल क्या बात है क्या शुभ नाम क्या आपका संजय शर्मा जी बिल्कुल सही दिया आपने उत्तर देखिए क्या होता है कि कम्युनिकेशन हाँ तालियां बजाइए इनके लिए मेरे ख्याल से ये तालियां इतनी इस बात के लिए बज रही है कि आपको स्वयं को ये अफसोस हो रहा है कि यार ये बात तो सही कह रहा है मैं ही जानता भी हूँ हम सबको मालूम है हम चूक गए कई बार ये होता है ना अरे यार ये और अच्छा वो हो क्योंकि हमने उधर ध्यान ही नहीं दिया तो मैं आपको ऐसा लगता है वो गलत जगह ले गया मैं आपको जब एक सिचुएशन की बात कर रहा था तो कहने का तात्पर्य मेरा ये था कि आम तौर पर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं उसका कारण ये है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो प्रॉपर नहीं होती है हम एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं हम परिस्थितियाँ उनको बताएंगे हम वहाँ पर सेवा देने के लिए ही हैं वो उनकी स्थिति वैसी है तो उनसे कैसी बात की जाए कैसे समझाया जाए क्या किया जाए तो कम्युनिकेशन और द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन इज that people do not listen to understand. People do not listen to understand. They listen to reply.
आपने कोई बात कही वो तत्काल जवाब देने को तैयार है, या उसने कुछ कहा अपन समझ ही नहीं रहे कि उसकी वेदना क्या है और अपन तत्काल जवाब देने को तैयार रहते हैं। साहब डॉक्टर नहीं है, मैं क्या करूं साहब, मान लीजिए अपन ने ये कहा तो ये है, लेकिन उसकी वेदना समझिए। वो कुछ कह रहा है उसको अपने को रिप्लाई नहीं देना है, जो परिजन है उसके या पेशेंट है उसकी जो वेदना हो रही है तो उसकी वेदना के वशीभूत आपको उसको ढंग से जवाब देना, उसको समझाना है, उसकी व्यथा को समझना है। व्यथा को जब हम समझ लेंगे तो फिर हमारा जो जवाब जाएगा, स्थिति तो वही होगी लेकिन बात में अंतर आ जाएगा। हम अपनी बातें गप्पे मार रहे हैं, अपनी जो जानकारियां हैं आधी अधूरी उससे कुछ बातें कह रहे हैं इत्यादि इत्यादि नहीं। तो संप्रेषण की जब बात आती है, कम्युनिकेशन की जब बात आती है, तो हमें एक अच्छा और इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनना चाहिए। अगर हमारे पास कितनी भी जानकारियां हैं, कितनी भी नॉलेज है, उसका प्रकटीकरण नहीं हो सकता प्रभावी तरीके से जब तक कि हम अच्छे कम्युनिकेटर नहीं है, तो अच्छी स्किल्स होनी चाहिए। तालियां जोरों से बजाइए, ये अति आवश्यक है। जीरोंटोलॉजी, इससे क्या अभिप्राय है? जीरोंटोलॉजी से क्या अभिप्राय है? ठहरिए ठहरिए, वैसे नहीं जी, बोलिए आप। स्टडी ऑफ ओल्डर एज पर्सन। ओल्ड एज, शुभ नाम आपका? सचिन मिश्रा। सचिन, ओल्ड एज को यहाँ पर एज कोई पर्टिकुलर एज? मोर देन 60 है। मोर देन 60 नहीं है, अब इसको एज को थोड़ा परिमार्जित कोई कर पाए? जी सर, मोर देन 70। मोर देन 70, चलिए आपने मोटे रूप से कह दिया। शुभ नाम? सचिन मिश्रा। सचिन जी, लीजिए तालियां जोरों से बजाइए। देखिए, जो 65 वर्ष से अधिक की आयु के जो लोग होते हैं, उनकी सेहत के अनुसार उनके जो रिक्वायरमेंट होते हैं, उस रिक्वायरमेंट के अनुसार उनको जो केयर दी जाती है वे जीरोंटोलॉजी के अंतर्गत ये आती है। तालियां बजाइए इस संकल्प के लिए कि अब आप आगे से बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। हॉस्पिस केयर क्या है? हॉस्पिस केयर, हॉस्पिस केयर जी, बोलिए आप। पेशेंट को घर पे केयर देना, मतलब हाउस पे। तो आप थोड़ा समझाएं, हमारे दर्शक समझना चाहते हैं टर्मिनल से क्या तात्पर्य है। मतलब जो बीमार पेशेंट है उसको घर पे जाके, बीमार का मतलब जो पैरालाइज पेशेंट है या फिर। तो टर्मिनल से, टर्मिनल अब तो आप वहाँ उस मुकाम पे पहुँच गए, आप लौटो मत। हाँ मतलब जो सीरियस पेशेंट, सीरियस और सीरियस भी जो डाइंग। हाँ तो आप घबराइए मत आप इसमें। शुभ नाम आपका? अर्चना। अर्चना जी, तालियां जोरों से बजाइए। देखिए, हॉस्पिस केयर की बात या हॉस्पाइस जिसे आप कहते हैं का तात्पर्य यह है कि ऐसी स्थिति जब आ जाती है बिल्कुल मरणासन है, अब उनकी वेदना है, परिजनों की वेदना है, वो भी समझ रहे हैं, मरीज भी समझ रहा है या न भी समझ रहा है, अब उस हालात में आप क्या केयर करें, तो यहाँ पर रिलीजियस आपका वो फोकस भी हो सकता है, उनको समझना है उनकी क्या रिचुअल्स हैं, क्या बातें हैं, क्या सोच है इत्यादि इत्यादि, मॉरालिटी, एथिक्स, सांत्वना देना, समझाना इत्यादि इत्यादि, तो इन सब चीजों का एक समावेश हो जाता है। तालियां बजाइए इनके लिए जो आपने। प्रति वर्ष फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर राष्ट्रपति महोदय द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है नर्सेस को, आपको बताना है उसका नाम क्या है, उनको सम्मानित किया जाता है उत्कृष्ट कार्य के लिए, उस अवार्ड का नाम आपको बताना है और जीतना पुरस्कार। जी बोलिए आप। मदर्स ऑफ नर्सिंग। मदर्स ऑफ नर्सिंग, जी बोलिए आप। नाइटिंगेल अवार्ड्स। नहीं, पूरा नाम बताइए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। पूरा बोलिए भाई, पूरा और भी पूरा बोलिए। यस बोलिए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। फ्लोरेंस नेशनल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड फॉर नर्सेज, तो नर्सेज के लिए है, तो तालियां जोरों से बजाइए इस जानकारी के लिए। अब मैं यह पुरस्कार किसको दूं? चलिए दे ही देता हूं आपको, क्योंकि देखिए एक छोटा सा सवाल मैं आपके और ले लेता हूं, और मैं समझता हूं कि वो थोड़ा पूछा जाना चाहिए। क्रॉस इन्फेक्शन क्या होता है? व्हाट इज क्रॉस इन्फेक्शन? जी बोलिए, आप खड़े होइए। जब एक
पेशेंट से दूसरे पेशेंट को इन्फेक्शन होता है तो उसको क्रॉस इन्फेक्शन। यानी एक पेशेंट जो किसी बीमारी से ग्रसित है वहां पर जाता है और दूसरा कोई वहां पर बीमार है वो दूसरी बीमारी से उससे रोगाणु आ जाते हैं और ग्रसित हो जाते हैं। शुभ नाम? अमन शर्मा। अमन शर्मा जी, तालियां जोरों से बजाइए अमन जी के लिए। हाँ, एक सवाल और पूछता हूँ, इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी बोलिए आप। सर, जो डिजीज से या रोगों से लड़ने की जो इम्यून क्षमता होती है, पावर होती है, आप मत बोलिए साहब, क्षमता हाँ। होती है रोगों से लड़ने की हाँ। बॉडी की उसको इम्यूनिटी। अच्छा, ये किस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं कोई इसको? एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एक कंजेनिटल इम्यूनिटी जो जन्म से प्राप्त होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक नेचुरल जो होती है जन्म से आपकी जो होती है और एक आप एक्वायर करते हैं। एक्वायर का एग्जांपल दे सकते हैं? बड़ा ही सरल एग्जांपल, कोई जैसे सर कोई भी इन्फेक्शन होता है जैसे कोई भी डिजीज का टीकाकरण को कह सकते हैं अपन? यस सर, वैक्सीनेशन कह सकते हैं सर, वैक्सीनेशन को टीकाकरण। यस सर, ठीक है। शुभ नाम? दिनेश शर्मा। दिनेश जी, क्या बात है, बिल्कुल जानकारी दिनेश जी को, तालियां दिनेश जी के लिए, जोरों से बजाइए साहब। एक साहब, ये सेप्टिक और सेप्टिक से एसेप्टिक एटसेट्रा ऐसा भी कुछ होता है? एसेप्सिस और सेप्सिस दोनों अलग अलग। तो एसेप्सिस, एसेप्सिस भी होता है। तो एसेप्सिस से क्या अभिप्राय है? अंतिम सवाल, छोटा सा। एसेप्सिस से होता है फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन होता है। फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन, एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन। और कोई थोड़ा विस्तारित? फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, सर फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्री फ्रॉम माइक्रो, सर फ्रीडम फॉर बैक्टीरिया। फ्रीडम फॉर बैक्टीरिया, क्या खूब कूदो, खुद कूद फान करो। जी बोलिए आप। एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन, एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन। चलिए साहब, दो लाइन में इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। सर एसेप्सिस का मतलब होता है फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज इम्पोर्टेंट। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उन्हीं के कारण से बीमारियां। देखिए, आप इतनी बड़ी संख्या में आए और मैं ये अपेक्षा कर रहा था कि आप तैयारी करके आए हैं, और मेरे लिए तो बड़ा आसान काम होता है क्योंकि किताब को देखना, उसमें से सवालों को ढूंढना, उत्तरों को ढूंढना, कागज पर लिखना और आकर के आपको पूछ लेना। और मैं ये समझ रहा था कि आपने समझा कि ये एक एंटरटेनिंग प्रोग्राम है, प्रोबेबली एग्जामिनेशन की जो तैयारी होनी चाहिए उस मूड में आप यह नहीं आए थे, और मैंने थोड़ा सा वातावरण ऐसा बना दिया जैसे कि कोई परीक्षा हो रही हो। लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि आप जिस परीक्षा को देने जा रहे हैं उस परीक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये परीक्षा है, क्योंकि ये बिना सूचना के परीक्षा हो गई आपकी, और आपको एक अवसर मिला अपने आप को इवेल्युएट करने का कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। अभी इतना समय गुजरा है, हम पढ़ रहे हैं, हमने कितनी जानकारियाँ हासिल की, और आपको एक डायरेक्शन भी मिलेगा कि क्या क्या हमसे अपेक्षित हो सकता है, क्या क्या हमसे पूछा जा सकता है, या क्या क्या हमें जानकारियाँ होनी चाहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियाँ जोरों से बजाइए आप कि इन सभी सवालों का जवाब अच्छी तरीके से आप पूछेंगे और जानेंगे। और अब में हम प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के अंत में आम तौर पर जो इंस्टीट्यूट आता है वहाँ के जो विद्यार्थी होते हैं वो एक सांस्कृतिक प्रस्तुति होती है, एक नृत्य की प्रस्तुति। तालियां जोरों से बजाइए अपने मित्रों के लिए आप जो कि नृत्य की प्रस्तुति कर रहे हैं। जोरदार तालियां, तालियां जोरों से होनी चाहिए। यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है, ऐसे है चाहे वैसे है, अरे जो भी है जैसे है खुद पे हम नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना, यार बाज हम, चाल साज हम, इश्क बाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार।